नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑल इंडिया बुखट के नए ब्लॉग पे। वैसे तो आप स्क्रीन और थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम कहाँ आए हैं। जी हाँ, हम आए हैं मैकडॉनल्ड्स में। बट आज हम यहाँ पे कोई फूड ब्लॉग शूट करने नहीं आए, क्योंकि ऑलमोस्ट सबने ही मैकडॉनल्ड्स की अलग अलग डिशेस ट्राई कर रखी हैं। सो फूड ब्लॉग बनाने का कोई पॉइंट नहीं है यहाँ पे। जिस चीज़ के लिए हम यहाँ पे आए हैं वो भी आपको हम जल्दी दिखाते हैं। पर सबसे पहले आप कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब। अगर फेसबुक या इंस्टा पे आप देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। सबसे पहले मैं आपको इसकी लोकेशन के बारे में बताता हूँ दोस्तों। सो मैकडॉनल्ड्स का ये आउटलेट सेक्टर 142 नोएडा में एडवेंट टावर में लोकेटेड है। सो अगर मैं यहाँ पे सिटिंग कैपेसिटी की बात करूँ, सो 80 से 100 लोग तो आराम से यहाँ पे बैठ सकते हैं। बट सबसे बड़ा टास्क ये है कि इतने लोगों के ऑर्डर्स एक टाइम पे कलेक्ट करना और डिलीवर करना अपने आप में ही जंग लड़ने के बराबर हो जाता है। सो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए मैकडॉनल्ड्स इंडिया ने इंट्रोड्यूस की हैं ऑर्डर वेंडिंग मशीन्स, जो आपको मैकडॉनल्ड्स के हाई ऑक्यूपेंसी आउटलेट्स में मिल जाएंगी, और जहां जाके आपको लाइन में लगने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू कैन डायरेक्टली गो टू वेंडिंग मशीन, आप अपना ऑर्डर बना सकते हैं एंड वहीं से आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। सो जैसे आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे बर्गर्स की ऑप्शंस डिस्प्ले हो रही हैं। मैं अपना मनपसंद बर्गर चूज़ कर सकता हूँ। ये स्क्रॉलर से मैं स्क्रॉल डाउन करके चेक कर सकता हूँ कि जितनी वैरायटी यहाँ पे अवेलेबल है। मनपसंद बर्गर सिलेक्ट करने के बाद ये मुझे दो सजेशंस देता है। या तो मैं इसकी मील बना सकता हूँ जिसमें फ्राइज़ और कोक ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे, अदरवाइज़ मैं इसको ओनली आइटम ऐड कर सकता हूँ ताकि मैं बाकी की चीज़ें अपने मन मुताबिक ऐड कर सकूँ। इसी तरह से मैं बाकी की चीज़ें भी ऐड कर सकता हूँ, लाइक हैप्पी मील्स एक्सप्लोर कर सकता हूँ, डेजर्ट्स साइड्स वगैरह ऐड कर सकता हूँ। सो स्टेप बाय स्टेप सारी ऑप्शंस कंप्लीट करने के बाद मुझे पेमेंट ऑप्शंस आएंगी। जब मैं पेमेंट कंप्लीट करूँगा तो मुझे इस तरह की कुछ एक स्लिप आएगी जो मुझे जाके काउंटर पे दिखानी होगी, और मैं वहाँ से अपना ऑर्डर कलेक्ट कर सकता हूँ।